IRCTC का ID किस तरह से बनाना है ये सब तो हम सब जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आपको YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि IRCTC का ID को डीएक्टिवेट करना, डिलीट करना किस तरह से, इसको लेकर के आप हमें बताओ। तो प्रोसीजर कुछ इस तरह से था, बहुत कुछ मतलब एक मेल करना पड़ेगा, तो वो सब मैं तो कमेंट में नहीं लिख सकता हूँ। तो आज फाइनली मैंने सोच लिया है कि मैं आपके लिए IRCTC का अकाउंट को डीएक्टिवेट किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। इसके लिए मैंने खुद आज IRCTC से बात किया कि एक ईमेल के जरिए तो होता ही है, लेकिन ईमेल के अलावा कुछ प्रोसेस है क्या। तो IRCTC के कस्टमर केयर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक IRCTC ई वॉलेट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर के आप डिलीट कर सकते हो। तो मुझे लगा शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत है, या फिर जो जिन्होंने मुझे दिया उनको ये पता नहीं था, क्योंकि मैंने IRCTC का ई वॉलेट ऑप्शन में जाकर वहाँ पे काफ़ी कोशिश की, जहाँ पे कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट का ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। तो फाइनली मैं सोचा कि मैं आपके लिए जिस तरह से जो ईमेल का जो प्रोसेस है वो आपको अभी इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए आपको मैं लिख कर खुद दिखा देता हूँ आपको कैसे ईमेल भेजने हैं। इसके लिए आपको अगर ईमेल लिखने में भी दिक्कत होता है तो इसका भी सुविधा मैंने कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी जो मेल का फॉर्मेट है वो मैंने पेस्ट कर दिया है, आप वहां से कॉपी करके अपने ईमेल में पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे, ऐसा नहीं कि आपने कॉपी किया और उसको सेंड कर दिया, तो आपको अपने डिटेल्स भर के उसको सेंड कर देने, जिससे आपका आईडी जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। सब्जेक्ट में आपको लिखना है आई वॉन्ट टू डिलीट माई अकाउंट ऑन IRCTC वेबसाइट विथ रेस्पेक्ट I have an account on IRCTC and I want to delete it. So kindly respectfully delete my IRCTC account. My user ID में आपको अपने IRCTC user ID देना है, registered mobile number में आपको वो number देना है जो आपके IRCTC account के साथ में link है, साथ में आपको registered email ID देना है जो IRCTC के साथ में link है, आपको सारे details वही देना है जो आपके IRCTC account के साथ में link है, रजिस्टर्ड पैन देना है अगर पैन कार्ड आपका रजिस्टर्ड है IRCTC के साथ में तो आपको देना है, अगर आधार कार्ड आपका रजिस्टर्ड है तो भी आधार कार्ड आपको देना है। थैंक यू लिख के नीचे आपको अपना नाम लिखना है और इस मेल को भेज देना है care@IRCTC.co.in पर। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो कुछ इसी तरह से आप अपने IRCTC अकाउंट को डीएक्टिवेट कर पाएंगे एक छोटा सा ईमेल करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई भी टिकट है, बुक किया हुआ टिकट जिसमें आप ट्रैवल नहीं किए हो, तो यहाँ आपको परेशानी हो सकती है, उसका प्रिंट आउट निकाल के ही आईडी को डीएक्टिवेट करें। साथ में अगर आपका कोई भी राय है, कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझे अभी YouTube में देख रहे हो तो यहाँ पे लाल कलर का एक बटन दिखेगा, सब्सक्राइब का बटन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ पाएगी। और अगर आप मुझे Facebook में देख रहे हो तो Facebook में भी लाइक और शेयर के बाद आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपके पास आ पाएगी बड़े ही आसानी से। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो नए टेक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।